ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बाजार है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बाजार है, तो की करनी है मुझे क्या करना। जैसे वर्किंग करवा ऐसे कैसे किए फिर सॉल्व फिगर्स बोलते हैं सर जी जो किए ये आप सब फिगर फिगर सॉल्व सॉल्व करो। प्रोडक्ट ए की टोटल कॉस्ट बनाएंगे कितनी आई है 36,000 उसकी टोटल कॉस्ट है, वो तो जॉइंट कॉस्ट है सर भैया। इसकी कौन सा खर्चा ही नहीं उसका, इसका फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा नहीं है ठीक है। 36,000 डिवाइड कर कितने यूनिट्स बने इसमें और बचे कितने हैं, अपने एंडिंग इन्वेंटरी मींस क्लोजिंग स्टॉक की फिगर फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना बचा ठीक है, क्लियर है बस? यस सर। हो गया तो सॉल्व। नंबर 5 सर, इसी तरह प्रोडक्ट सी की एंडिंग इन्वेंटरी, प्रोडक्ट सी की एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट अब कैसे निकालना। अब इसमें जरा देखें बोर्ड पे दोबारा देखें फाइनल करें। 60,000 उसका शेयर था ज्वाइन कॉस्ट का, लेकिन क्या उसको फिनिश करने में फर्दर खर्चा भी है। पहले आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 6,000 प्लस 1,40,000 टोटल हो जाएगा ये 174,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस या सोल्ड कितने हैं 60,000 और स्टॉक में बचे हैं 15,000 इज इक्वल टू 43,500। और दुनिया देख के लिखना शुरू हो चुकी है और जल्दी से देख लें, मैंने पीछे कर दिया सर, दिखा दें सर क्वेश्चन नंबर थ्री निकाल लीजिएगा। ये काम तो कर रहे हैं यार, मैं अगर ना पूछता तो 1 मिनट लगना था, पूछने से भी 2 मिनट लगना। अंधा धुंध देखें, बिल्कुल नहीं सोचना। चले सर, इस बहस के बाद अब आए पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो, पेज नंबर थोड़ी सी बात ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स इन बनाया फिनिश गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आती है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सपोज 0 है, लिखते रहे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है सपोज $1,000,000 10,00,000 और इस कॉस्ट को इंकर करके 50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर है। चीज सीरियस लेके समझेंगे, रिवाइज करेंगे घर आके, थोड़े थोड़े काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। एक भाई ने भी कहा टेस्ट कब होगा, तो बेटा कुछ पढ़ेंगे तो टेस्ट होगा। आपका ख्याल में ये चीजें आनी का करो, कुछ पढ़ तो नहीं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें सर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा जो यूनिट्स बने हैं उनको बनाने की कॉस्ट से मैंने डिवाइड करके एक यूनिट की कॉस्ट निकाल दी,
जो स्टॉक का यूनिट्स बचे हैं एक्स एक्स वाई वाई के क्वेश्चन में, जिस तरह की वैसे मैंने किए, नंबर ऑफ यूनिट्स रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लिए, जैसे मैंने एक्स एक्स वाई वाई में किया। सेल प्राइस थोड़ी निकालनी थी, जो स्टॉक के यूनिट्स होते हैं कॉस्ट पे मेजर होते हैं या सेल प्राइस पे, बस कहीं यहाँ तक रुके, बाकी तरफ बोर्ड पर देखते हैं। 50,000 सभी सपोज यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 1,000,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ओपनिंग इस प्रोडक्ट नहीं, फिर मैं ओपनिंग अभी बाद में इंक्लूड करता हूँ। लेट्स सेम 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक बच गए, बाकी जब मैं बातें करूँ पहले सुन लीजिएगा। अगर ये 50,000 बने हैं, 10 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स बच गए हैं, तो 40,000 यूनिट्स शुड बी सोल्ड। 40,000 यूनिट्स अगर सोल्ड हैं तो इनको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 यूनिट्स सोल्ड को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल आएगी, लेकिन हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं इसका ताकि ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए, पता है? तो कॉस्ट ऑफ सेल सिंपली मींस मुझे इन 40,000 यूनिट्स सोल्ड की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो बिल्कुल सिंपल सी डिस्कशन कर रहा हूँ, शायद जो अभी आपने घर में भी की, क्या ये 10,000 यूनिट्स नहीं 50,000 में से ही बचे होंगे? ओपनिंग तो थे नहीं, तो सिंपली क्या करो, 1,000,000 खर्चा हुआ है 50,000 यूनिट्स का बनाने में, तो डिवाइड बाय 50,000 और मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10,000 करूंगा तो क्या आ जाएगा, स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी, और अगर मल्टीप्लाई 40,000 करूंगा तो सेल्स नहीं आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन हमारा नॉर्मल तरीका क्या होता है, अगर हम इसका स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम पहले क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको माइनस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स लगाते हैं, तो इनटू 10,000 अगर मैं करूंगा तो क्या चीज आ जाएगी, अमाउंट तो आ जाएगी लेकिन क्या चीज आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, तो सॉल्व करने में 200,000 बनता है। 200,000 को माइनस करेंगे आप तो 8,00,000 बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर, 10,00,000 माइनस 2,00,000। ऑब्वियसली अगर 40,000 से स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करें, करके देखें फाइनल कर लिखा, ये प्लीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं इस बात में। अब लास्ट वीक में हमने कुछ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाते हुए एक फाइफो वेटेड एवरेज की बात की, तो अब आपने जरा बोर्ड में ये देख के मुझे बताना कि मैंने इस वर्किंग को करते हुए फाइफो यूज किया है या वेटेड एवरेज। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही नहीं था तो सभी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, फाइफो वेटेड एवरेज दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आप और से बोर्ड को देखा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर लीजिए, मैंने कोई फाइफो यूज नहीं किया, आपको कैसे पता चला? मैं तो वर्किंग कर भी थी। ये फाइफो वेटेड एवरेज होते किसके लिए है ये आपको पता है? जरा पिछले पेजेस नहीं करेंगे, ये किस मकसद के लिए सही रिवाइज कर रहे हैं? एक क्वेश्चन किया था हमने एनकेएल, उससे पहले एक थोड़ी सी डिस्कशन की, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। हेडिंग जरा ढूंढने क्या लिखे होगी, जहां फाइफो वेटेड एवरेज हमने लिखा, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वर्किंग के लिए फाइफो भी है और वेटेड एवरेज भी है, ठीक है? फाइफो अगर हो तो बोर्ड पर देखें जरा रिवाइज नहीं है, फाइफो अगर हो तो स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि जो यूनिट्स बिके हैं वहां से शुरू करें, तो हाउ मेनी यूनिट सोल्ड, हाउ मेनी यूनिट सोल्ड सर, ये कहां से सेल हुआ, 50 में से ही हो तो 10,000 कहां से बचे होंगे, बाकी 10,000 50 में से ही बचे होंगे। इसलिए मैंने क्या किया, अगर मैं फाइफो अप्लाई सोचूंगी तो फाइफो के अप्लाई करने का सोचूंगी तो 1,000,000 उठाऊंगा, डिवाइड बाय 50,000 करके पर यूनिट निकाल लूंगा और इंटू 10,000 क्योंकि स्टॉक बचा ही 50,000 यूनिट्स पर से। अगर हम सोचेंगे भी तो फाइफो ऐसे ही अप्लाई होगा जैसे मैंने नीचे वर्किंग की, लेकिन अगर वेटेड एवरेज हो तो उसका एक रेट आता है पहले, और मैन्युफैक्चरिंग अगर बिजनेस हो तो एक नजर वाइज कर रही है, ओपनिंग स्टॉक किसका लेना होता है? अब यहाँ अगर जीरो है तो ओपनिंग स्टॉक का फिनिश गुड जीरो, उसी फॉर्मूले का अप्लाई करूंगा, रेट निकाल पाऊंगा,
प्लस क्या होना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1 मिलियन डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक अगर 0 है तो डिवाइड बाय 50, इट मींस वही 1 मिलियन वही 50,000 ओपनिंग अमाउंट और लिमिट तो 0 ही, जो रेट आएगा उसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। तो क्या नीचे जो मैंने वर्किंग की है, अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों में ऐसी ही वर्किंग होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो हमें शायद सोचने की जरूरत ही नहीं है कि फाइफो है या वेटेड एवरेज है, आंसर वही आएगा जो होना चाहिए। लेकिन क्या अगर ओपनिंग हो तो फर्क पड़ता है, ये मैं वर्किंग से समझ रहा हूँ। तो देर इज नो नीड ऑफ, एक छोटी सी लाइन नीचे लिखते हैं, देर इज नो नीड ऑफ फाइव फॉर वेटेड एवरेज फॉर्मूला if opening stock is मतलब इसका ये नो नीड ऑफ इन सेंस के हमें ऐसे उस टेक्निकलिटी में सोचने की जरूरत नहीं, सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स विदाउट एनी थिंकिंग ऑफ वेदर हम फाइफो यूज करेंगे वेटेड एवरेज। एनी कंफ्यूजन फॉलो कर लिया सबने? लेकिन क्या अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो फिर सोचना पड़ता है, क्या आंसर डिफरेंट आ सकता है? लेकिन जब तक हम लिखेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। एक बेटा नोट कर, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं सपोज 5,000, इनकी कॉस्ट है सपोज 90,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है सपोज 1 मिलियन अमाउंट उसकी, 50,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर है, और क्लोजिंग स्टॉक का सपोज यूनिट्स है 10,000, बस कैंडी लिखना लिखना थोड़ा वर्किंग करवाए, एक मिनट से करवाए करवाए बाकी करवा दें पहले, मैं तो मेरे साथ साथ चला। 5,000 ओपनिंग है, 50,000 प्रोड्यूस है, 10,000 बच गए हैं, सोल्ड यूनिट्स क्या होंगे, 40 होंगे 45 होंगे सर, 5,000 पहले भी पड़े हैं, ठीक है 45, द कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन वी आर सपोज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 45,000 यूनिट्स। अब एक मिनट जरा, क्या फाइफो वेटेड एवरेज से फर्क पड़ता है, पहले आप जरा वर्किंग देखेंगे। अब लेट्स अज्यूम इस डेटा को हमने फाइफो से सॉल्व करना है, तो फाइफो में वर्किंग करते हुए कांडी मैं बार बार वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, सही इज रिटेन रखने से सोल्ड यूनिट्स देख के स्टार्ट करें, हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना सर, तो ये क्या 45,000 यूनिट्स आउट हो गए, सेल हो गए, आप फैक्ट्री से चले गए हैं, तो ये कौन से वाले पहले गए होंगे, क्या 5,000 यूनिट सोल्ड हो गए होंगे और क्या बाकी 40,000 50,000 में से सेल हुए होंगे, तो क्या वंस अगेन जो 10,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक है ये 50,000 प्रोडक्शन वाले में से ही बचा होगा। लेट मी फिनिश माय वर्ड्स, देयरफॉर मैं इस वर्किंग को करते हुए 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करते हुए ओपनिंग यूनिट्स भी नहीं देखूंगा, ओपनिंग अमाउंट्स भी नहीं देखूंगा, क्यों, ये यूनिट्स जहां से बचे हैं वहां से मैं रेट निकालूंगा, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 50,000 and multiplied by 10,000 is equal to 2 lakh
एक मिनट, मेरे एक और एंगल से बात करनी, पहले मैं कंप्लीट करूंगा। मेरी यहाँ तक कॉस्ट ऑफ सेल बताया, कैलकुलेटर पढ़ूंगा। 90 प्लस 1 मिलियन माइनस 2 लाख 890 बनाया। अब ओपनिंग भी शामिल आना है, ये 2 लाख क्लियर है प्लीज? यस, 2 लाख और 890 फाइनली। यहाँ तक बात ठीक है? मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया? फाइफो। एक मिनट, एक चीज, एक और एंगल सुना था, क्या ये 89,890,000 जो कैलकुलेट हुआ, ये डेथ भी कैलकुलेट किया जा सकता है? अभी ये कैसे कैलकुलेट हुआ? हमने क्या उठाया? ओपनिंग स्टॉक उठाया, आगे क्या किए? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ही और क्या किए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस किया है 1 मिलियन और क्या किए? क्लोजिंग 2 लाख माइनस किया, आंसर आ गया। तो क्या 890,000 हम डायरेक्टली भी पहुंच सकते हैं? बड़े आराम से कंसंट्रेशन से दोबारा देखें, क्या हमें ये पता है कि ये जो 45,000 यूनिट्स हैं, इनमें कौन कौन से सेल हुए हैं? इनमें सबसे पहले 5,000 यूनिट सेल हुए हैं और बाकी 40,000 यूनिट्स प्रोडक्शन में से सेल हुए। तो क्या ऐसे भी सोचा जा सकता है कि इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट 90,000 आ रही होगी? सही आ रही होगी सर। अभी यूनिट्स बिक गए हैं तो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल कहलाए, लेकिन क्या इसके अलावा भी यूनिट्स बिके हैं? कहां से? तो उसके लिए क्या करूं, क्योंकि वो सारे नहीं बिके, तो 1 मिलियन डिवाइड बाय 50,000 और मल्टीप्लाइड बाय 40,000 सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा सर, वही नहीं आएगा, प्लीज सॉल्व करें। क्या आंसर आता है? 8 लाख। ये मैंने किया क्या, किसी को पता चला मैंने क्या किया? 45,000 यूनिट सोल्ड है, तो एक तो डेफिनेटली वे क्या है कि आप क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अल्टरनेटिवली क्या किया जा सकता है, जो जो यूनिट सेल हो गए, जहां जहां से यूनिट सेल हो गए, तो वहां वहां से रिस्पेक्टिव कॉस्ट उठाना, तो इंशाल्लाह आपका आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर है सर? करें आप दोनों एंगल से नोट करें। तो फाइफो में स्टॉक निकालते हुए ये देख लें कि कहां से स्टॉक बचा है, और इसी में अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स से वर्किंग करनी हो, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करनी हो, सिंपली ये देखने के स्टॉक के यूनिट्स कहाँ कहाँ से सेल हो, सॉरी सेल के यूनिट्स कहाँ कहाँ से सेल हो। तो 45,000 इज अ टोटल सेल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस पहले ओपनिंग बिके होंगे, और अगर 45 ओपनिंग है, सॉरी 45 सोल्ड है, 5,000 ओपनिंग है, तो बाकी प्रोडक्शन में से 40,000 सेल हुए होंगे, देयरफॉर 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में अवेलेबल होंगे। डिक्लेयर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ये सेम डाटा जरा दोबारा लिख रहे हैं, इसी के बेस पे आप वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं, ये तो दोबारा लिखते हैं, अपनी स्टॉक बिजनेस लिखें।
ये भी यहाँ तक देख ले, बाकी फिर मैं सब पहले सुन लूंगा। अरे बंद हो गया, ये नोटेड है सर जी। सर ये बोर्ड पे देखें सर। अब अगर इस डेटा को हमने वेटेड एवरेज से सॉल्व करना तो डिफरेंस आएगा या नहीं, इसको जरा देखें। वेटेड एवरेज सर अगर आपने वर्किंग करनी है तो हमेशा सबसे पहला काम क्या ध्यान में आना चाहिए कि हमें एक रेट निकालना, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रेट निकालने का फॉर्मूला बोलते थे, मैं फिगर्स लिखता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट 90,000 प्लस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट प्लस कर दी मैंने, ठीक है फिगर्स, डिवाइडेड बाय 5,000 ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, लिखे और सॉल्व करें रेट का। ये कहेंगे अगर बंद करवाना हो तो बेटा बता दिया करें, अपनी मर्जी से आप मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, ठीक है माशाल्लाह आपका मोबाइल बड़े आला है। कौन थी? रेट के बारे में पिछले हफ्ते फाइनल फैसला हुआ था, फैसला वही रखिएगा सर, 19.82 पे राउंड ऑफ करने से इतना बेटा, सही बता दीजिए कितने पे राउंड ऑफ। रेट अगर आए तो पॉइंट्स में तो कैंडिडेट से दो डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ करके खत्म कर लो। ओके सर, बाकी बाकी अगर रेट सही राउंड ऑफ नहीं होगा तो इमटेरियल डिफरेंसेस हमें इंशाल्लाह इग्नोर कर देंगे। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द वेटेड एवरेज, प्लीज रिपीट। सबसे पहले रेट आ जाता है, जब ये बेटा रेट आ जाता है आगे सब तो देन इसका क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी। तो इस केस में आपको ये डिसाइड नहीं करना है सर कि कहाँ से यूनिट्स बचे हैं, यू आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट अ रेट एंड मल्टीप्लाई द रेट विद द नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। फाइंड द आंसर ऑफ 19,290। अब डेफिनेटली जिन लोगों ने जरा राउंड ऑफ डिफरेंट तरीके से किया होगा, कैलकुलेटर का एज इट इज रेट लेंगे तो 18 रुपए का फर्क खत्म हो गया। ये स्पीकर का प्लेस करें क्लोजिंग स्टॉक के सामने, और बैलेंसिंग फिगर बताइए 891 8 8 8। तो बेटा प्लीज कैंडी रेट्स की बहस अब खत्म रखें, जब भी आप राउंड ऑफ करेंगे तो चंद रुपीस का इमटेरियल डिफरेंस आ जाएगा, इनसिग्निफिकेंट, उसकी बहस कैंडी छोड़ दीजिएगा। तो रेट राउंड ऑफ करके लिख लें और उसकी बेस पर जो फिगर्स आ रही है उसको सॉल्व कर लें। सब ओके है सर, सब क्लियर है सर। अब इसको जरा कंपेयर करें जो फाइफर से वर्किंग की है, क्या अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो तो फाइफर वेटेड एवरेज का आंसर डिफरेंट आ सकता है। अब ये डिफरेंट ही होपफुली आपको पुरानी कुछ चीजें याद है, इसमें कोई गलत सही वाली बात नहीं है, बहुत मेथड्स आर अलाउड, चीजें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको अलग अलग सेग्रीगेट किया जा सके। तो दोनों तरीके अलाउड हैं, एग्जामिनर आपको बताएगा कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है, नहीं बताएगा तो इंशाल्लाह खुद हम डिसाइड कर लेंगे जब नहीं बताएगा, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर ओपनिंग स्टॉक हो, डिसाइड करना पड़ता है कि फाइफो होगा या वेटेड एवरेज, ये फिर हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा। लेकिन लेट्स कंप्लीट द बहस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिनेरियो 2 में एक डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल भी कैलकुलेट करवाई थी 90,000, तो क्या वेटेड एवरेज में भी हो जाता है? वेटेड एवरेज में बड़ा ये ज्यादा आसानी से हो जाता है, मैं फोटो देखा, ये जो रेट आया है इसी रेट को अगर आप यूनिट्स इन हैंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ रही है, और कैलकुलेटर में पकड़ रहा
इसी रेट को अगर आप यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट भी कैलकुलेट चला होता है। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? 891। अब हमारा रेट था 81, वो हमने क्योंकि हायर साइड में राउंड ऑफ कर लिया, उसकी वजह से फिर यहाँ आपको कितने रुपए का डिफरेंस महसूस होगा, तो इसको इग्नोर करें, राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस को और करके लिखा रहा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली कैसे आ जाती है इन केस ऑफ वेटेड एवरेज। फाइफो में तो ध्यान रखना पड़ता है कौन से यूनिट सेल हुए पहले, लेकिन वेटेड एवरेज में आप सिंपली वो रेट अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी, और अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट आ जाएगी। अगर आप कोशिश करके राउंडिंग ऑफ की इन मटीरियल चीज़ों को जहन से निकाल दें तो इंशाल्लाह आप चीज़ें जिंदगी में सही अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ पे हमारा कंट्रोल कोई नहीं है। अगर हम कैलकुलेटर की पूरी फिगर्स लिखना शुरू हो जाए तो शायद हम पेपर में कोई एक दो फिगर्स पूरी कर लेंगे और दोबारा अगली बार जाके पेपर पर दोबारा नया वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई अप्रिशिएट, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ गलत नहीं लिखना चाहते, रियल लाइफ में नहीं लिखनी है, लेकिन एग्जाम में राउंडिंग ऑफ प्लीज़ अलाउड है। तो क्या 100 रुपए पे ही बहस रह जाएगी या गेम आगे बढ़ सकती है? प्रश्न नंबर 3 निकल सर, बल्कि सर एक फाइनल कंक्लूजन आप यहाँ पे क्या बनी जरूरत है मतलब? ये सारी बहस सर क्या पता चला था? There is no need of any FIFO or weighted average. No opening stock. अगर opening stocks है, फिर हमें questions और सीखना पड़ा करेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एग्जामिनर किस मेथड से वर्किंग करवा रहा है, क्योंकि आंसर विल बी देन डिफरेंट, और अगर कभी नहीं बताएगा तो इंशाल्लाह फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सर, बायनी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स मिल गए, मिल गए सर, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सर, prepare a profit and loss account for the period. Profit and loss account for the period means? Profit and loss account for the period means statement of profit loss, income statement. लेकिन अगर पढ़े, identifying separately the profitability of the each of the 3 main products. Column wise बनेंगे चीजें. 3 products की अलग अलग हमें statement बनानी है. Just to recall in mind. कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए मैनेजमेंट की चॉइस है कि वो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाइज बना ले, डिपार्टमेंट वाइज बना ले, रीजन वाइज बना ले। फॉर एग्जांपल रीजन्स मींस पंजाब में कितना प्रॉफिट हुआ चीज़ें बेच के, सिंध में फॉर एग्जांपल, या ग्लोबली अगर बिजनेस आपका, पाकिस्तान में प्रॉफिट कितना है, अमेरिका में कितना है, वगैरह वगैरह, जितने मर्जी कॉलम बनाए, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग में तो अलाउड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट हमेशा कैसे बनेगी, एक कम्बाइंड फॉर्म सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सो ऑन, मतलब एक ही फिगर्स टोटल आ रही है, तो उसका ब्रेकअप इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं होता। लेकिन हमारी सर कौन सी क्लास चल रही है, तो हमें कौन सी स्टेटमेंट बनानी है प्रोडक्ट वाइज मेन प्रोडक्ट्स के अंदर। आई फर्स्ट फाइन से पढ़ते पढ़ते जरा कुछ डायग्राम्स पिछले एक दो दिन में बना रहा था मैं, वो अपने जहन में बनाई गया। बाइनरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय द नेम ऑफ ए बी एंड सी in one common process. Following this process, product A and B are sold immediately, while C is subjected to further processing. Following information is available for the period ended 30th June 2007. Opening stocks of A, B and C are not available. Production in kgs, सेल इन केजीज, ए बी और सी की प्रोडक्शन दी हुई केजीज में, सेल्स जो है वो सी की नहीं दी हुई, लेकिन अगर ए और बी की भी सेल्स देखें तो स्टॉक्स बचे हुए महसूस हो रहे हैं, ओपनिंग तो नहीं है लेकिन नजर आ रहा है प्रोडक्शन सेल में डिफरेंस है। फिर सेल प्राइस पर केजी भी है, लेकिन सी का कोई डाटा शायद अभी नहीं है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर 17.9158 मिलियन। ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इस अमाउंट का कोई नाम बताएं सही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लेकिन 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं। बाय द नेम ऑफ ए बी एंड सी, 3
were further processed during the period and converted into 96,000 kgs of zinc. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम शायद सी था जो इनिशियली बनी है, लेकिन जब वो फिनिश फॉर्म में आई है तो अब उसका नाम क्या हो गया? जी सी किस में कन्वर्ट हो गया? पर अब डेटा जरा ढूंढे पॉइंट वन में, सी की केजीज में प्रोडक्शन कितनी थी? 1,34,000 के, तो कितने केजीज फर्दर प्रोसेस हुए? 1,28,000 केजीज ऑफ सी. क्या सी के कुछ केजीज बचे होंगे? लेकिन जब उसकी कन्वर्जन हुई जी में तो 96,000 केजीज में कन्वर्ट हुए. ओके, यहां तक ठीक है. जो डेटा में डिफरेंस, अब इस फर्दर सोचते हैं कितने केजीज बने सी के? 134. कितने उसमें से यूज हुए महसूस हो रहे हैं? अब कितने 128 केजीज को प्रोसेस करके पानी जी के बने? एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वर, फर्दर प्रोसेसिंग करते हुए प्लस कीजिएगा सर, भाई को साफ वाले और से देखे प्लस करते हुए 803. ये जो नाम लिखे हुए इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के, इनको पढ़ के बताएं इनिशियली 803 टू 100 को कन्वर्जन कॉस्ट कह सकते हैं? कन्वर्जन कॉस्ट सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, या फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं? सोचे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देन मिला जाता. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस किस को सम करके आती है? मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. कल ये डिसाइड हुआ था कि आप इस तरह से तीन कंपोनेंट्स याद रखा करें. ऑब्वियसली प्राइम कॉस्ट भी बोला जा सकता है. तो बेटा जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मैंने क्या क्या नाम दिया? प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फैक्ट्री कॉस्ट भी. उसी तरह जरा कंडी फैक्ट्री ओवरहेड्स को भी जरा सोच रहे. फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी कहा जाता है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोला जा सकता है. आप बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल लें, लेकिन अल्टरनेटिवली कुछ चीजें जरा ज़हन में रखें. फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं. तो इनिशियली ये फॉर कन्वर्जन कॉस्ट है, लेकिन ये किसको किस में कन्वर्ट करने का खर्चा है? डी को वी में कन्वर्ट करने का खर्चा है. इसे हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सी इंटू जी भी कह सकते हैं. फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट, लाइक कल वाला क्वेश्चन नंबर टू का जरा की डायग्राम निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर टू की जो डायग्राम बना रहे कल, देखिए डायग्राम की बजाय क्वेश्चन के डाटा जरा बेहतर रहेगा. पेज नंबर 15 के साथ देखो, डिपार्टमेंट टू जो था, डिपार्टमेंट टू जो था, इसमें किसकी प्रोसेसिंग हो रही थी? एक नजर देखो ना, तो कि बी की प्रोसेसिंग में कौन कौन से खर्चे हमने प्लस किए थे? 45, 21, वही कन्वर्जन कॉस्ट थी जो डिपार्टमेंट टू में इंकर हुई थी, एंड सिमिलरली डिपार्टमेंट थ्री था. तो इसी तरह हमें प्रोडक्ट सी को, ठीक है ज्यादा भी प्रोडक्ट सी अगर जी में हमने कन्वर्ट किया तो हमें कन्वर्जन कॉस्ट बताई गई सी को जी में कन्वर्ट करने की, विच ऑफ कोर्स इज आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सॉरी आफ्टर जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा. समझ आ गया? चलो आगे. नंबर फोर, 94,000 केजीज ऑफ जी वाज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड. कितने बने थे, कितने बिके हैं? विद अ टोटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज 303,300. ये क्या है 303,300? अगर हमें पर यूनिट सेल प्राइस की जरूरत पड़ी तो किस कैसे निकालेंगे मेरे भाइयों? सेल्स को भी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर लेंगे. इस तरह की चीजें कम से कम फाइनल कर लीजिएगा इन दोनों, ऐसे नहीं अगर जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. लेकिन वो कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी भी है. जी का ओपनिंग था वाज 8,000 केजीज. तब कैलकुलेटर जरा पकड़ो, किसके ओपनिंग स्टॉक्स नहीं दिए हुए थे? ए बी सी के. लेकिन जी के एंगल से वो कह रहा है 8,000 ओपनिंग है. देखें कैलकुलेटर फर्दर कितने
कितने बनाए, 96 आ गए, प्लस करेंगे माइनस, ओपनिंग प्लस 96 आ गए, इतने अवेलेबल हो गए आपके पास 104 समथिंग, बिके कितने 94, देयरफॉर इसके स्टॉक में कितने पड़े होंगे 10,000। ऊपर जाए पॉइंट नंबर वन में, वहां क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो शायद जो प्रोडक्शन और सेल का डिफरेंस है वो एज इट इज स्टॉक आ जाएगा। अच्छा अब आपको ऊपर जरा वापस जाए पॉइंट नंबर वन में, अब ये पता चल रहा है कि सी की सेल्स के केजीज और सेल रुपीज की नहीं दिए, आप रीडिंग इस पॉइंट नंबर थ्री एंड फोर, सी को एज इट इज नहीं बेचा जा रहा लग रहा, सी को फर्दर प्रोसेस करके फिर बेचा जा रहा है, तो रादर देन सेलिंग सी इन द मार्केट एज इट इज we are converting the c into first of all z and then z is sold in the market. Number 5 sir, okay, sorry, point number 4 ke class sentence, ab jahan opening tha wahan pe usse FIFO ka zikr kar diya, FIFO method is used for pricing the transfer of z to the cost of sale, then fir how to solve maine bhi baatein ki, inshallah further apply karte hain. Number 5, 8000 kgs of a by product v was also produced during the further processing and sold at the rate of 10 per kg. What is this 10 per kg? Recovery value. Byproduct yaad hai kuch? Cost is allocated. Cost is allocated. Lekin kya iski by agar recovery value to uska treatment karte hain? Itna zyada dekh ke bana kaun kaun si possibility hai? Normal revenue banaya ja sakta hai, other income banayi ja sakti hai aur deduction bhi ki ja sakti hai from the manufacturing cost. Ye teeno zehen mein rakh ke next sentence padhe. Sale proceeds of byproduct are adjusted against production cost of the product z. क्या गिवन है, मेथड गिवन है, कौन सा मेथड गिवन है, थर्ड वाला शायद गिवन है, ब्रैकेट में कुछ चीजें सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप सारा जरा अपने आप को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, डेफिनेटली एग्जाम में ये ब्रैकेट्स नहीं होंगे. नंबर 6, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज अपोर्शनड अमंग ए बी एंड सी ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ प्रोडक्ट. ये क्या है जी, ए बी सी, फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर ए बी सी कौन थे, ये जॉइंट प्रोडक्ट्स, तो क्या जॉइंट प्रोडक्ट्स पर पॉइंट नंबर 2 देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एलोकेट होनी थी, तो किस मेथड से होनी है, वेट ऑफ आउटपुट की बेस पे. कौन कौन से मेथड है इसके, दो ही पढ़े सर, क्वांटिटी मेथड है, फिजिकल क्वांटिटी मेथड और सेल वैल्यू मेथड. क्या ख्याल है, एडमिन के वर्ड्स क्या बताते हैं, वेट ऑफ आउटपुट, वेट ऑफ आउटपुट ऊपर जाए पॉइंट नंबर 1 में, वेट कैसे दिया हुआ, केजीज में दिया हुआ, तो क्या सेल प्राइसेस को बेस बनाना है या वेट को बेस बनाना है, तो ब्रैकेट में ठीक लिखा हुआ क्वांटिटी मेथड, फिजिकल क्वांटिटी यूनिट्स पर. लास्ट वन, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बनाना है, ग्रॉस प्रॉफिट अदर इनकम के बाद सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी होते हैं, 25 लाख रुपीज टोटल है इनकर ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन इनको फिर क्योंकि हमने प्रोडक्ट वाइज बनानी इनकम स्टेटमेंट, तो कहता है दीज आर allocated to the main products on the basis of sale values. Sale value ki base pe fir isko allocate karna, niche refund le zara requirement, we are supposed to prepare statement of profit loss kaise, identifying separately the profitability of each of the three main products, but apparently we working kaise honi hai, I bismillah padhe solve. सर ये क्या है, खेलना शुरू हो गए, एक मिनट चलाते हैं, एक मिनट बंद करते हैं, चलाते हैं, कुछ नहीं होता, मेरा ब्रेक तो डिसाइड करें जो करें, सारा ध्यान तो इस पर कि आप कितने मिनट और कितने सेकंड हो गए तो बंद करने का टाइम आ गया, मेरा बंद करें कुछ नहीं होता, या चलवा लें तो या बिस्मिल्लाह पढ़ के खत्म करें, जो फैसला करने का फोकस होना क्वेश्चन से. आज से ऑनवर्ड्स, आज वेडनेसडे है, अगले 3 से 4 दिन जो है ना ये बड़े डिसाइडिंग हो जाएंगे सिर्फ इस टॉपिक के एंगल से, नहीं शायद अगली बहुत सी बहसों के एंगल से भी, तो थक गए हैं वापस आ गए. कंपनी नेम सर, बाय एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जो वर्ड्स लिखे हैं वही यूज लिया गया। लास्ट लाइन में शायद ईयर एंड नहीं लिखा हुआ लेकिन ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में फॉर द ईयर एंडेड पर बताया था ही इज डोन 7 फॉर द ईयर एंडेड। साथ साथ कैंडी रहेगा डेफिनेटली मैंने डाटा आपके सामने पढ़ा तो है इसको कैसे यूज करना है एक एक फिगर कंसंट्रेशन से देखते हैं वर्किंग जहां जरूरत पड़े कीजिएगा प्लीज। रिक्वायरमेंट में जाए उसने कहा आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द थ्री मेन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिसीजन ये आ गया कि आप डेटा देख के ये बताएं कि कौन सी है थ्री मेन प्रोडक्ट्स जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी आनी है ए बी सी सी पे आ रहा है। क्या सी को बना रहे हैं आप? नहीं बना तो मैंने ये ना बात पता नहीं क्या सी को बना रहे हैं हम लेकिन क्या सी को बेच रहे हैं सी को फिर जी में कन्वर्ट करके बेच रहे हैं तो प्रॉफिट किसका डिटरमिन होगा। लेकिन ऑफ कोर्स बात पूरी सुनने जरा कि अगर जी को बनाना है तो क्या सी को भी बनाना पड़ना है क्या सी को फर्दर प्रोसेस करके जी बनाना लेकिन कॉलम के एंगल से हम किस किस के कॉलम्स बनाए ए बी एज इट इज है सी इज नॉट सेलिंग instead of that z is selling so a b z par ye final ho jayega to left side pe thodi space rakhte hain sale cost of sale par words ke liye in column bana a b z actually required nahi hai lekin obviously जस्ट आपको फिर अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो डेफिनेटली टोटल कॉलम नहीं बनाएंगे एग्जाम में। मैं इसको टोटल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि फर्दर एक बात मैंने करनी है तो टोटल रिक्वायर्ड नहीं है प्लीज आप लेकिन बना दीजिएगा बनाएगी कॉलम पूरी इनकम स्टेटमेंट पूरा पेज रखना आपको उसके कट्ठे हो रहे नो नीड ऑफ एनी स्केल नो नीड ऑफ एनी ब्लू पेन ब्लैक पेन for writing blue pen for and red pen for that ye sabse pehle kindly hi ruk jaye online students bhi dekh rahe a b z theek hai a b c se z se maine start liya वैसे ये solve से पहले हम इस data को जरा एक डायग्राम फॉर्म में अपने सामने रख लें मेन मेन चीजें जो हमारे सामने आई तो आज इधर बनी ये डायग्राम डेफिनेटली कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन शायद हेल्पफुल हो जाती बना लें यार लेकिन वर्किंग में बनाएंगे ऑफ कोर्स एग्जामिनर के लिए नहीं एग्जामिनर को आ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का सर अगर ये पहले बनवा दें तो सबसे बेस्ट रहेगा। लुक एट द क्वेश्चन इनिशियल कॉमन प्रोसेस है फर्स्ट पैराग्राफ से लेकर नीचे एंड तक आना जहां जहां मैं चाहूंगा कैंडिडेट साथ साथ देखना एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें से कितनी प्रोडक्ट्स अमर्ज हो रही हैं कौन कौन सी ए बी सी ढूंढने पहले सब चीज चल चीज है फिर आपको मेरे आगे स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड है तो आप देख के बना लीजिएगा कितना स्पेस करके बना कोई कॉमन प्रोसेसिंग का खर्चा दिया ना कहाँ 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 हाउ मच कॉस्ट इज अवेलेबल 17915 8 double 0 1 7 9 1 5 8 double 0 ठीक है means लिखवाना सर 1 7 9 1 5
Then first paragraph, A and B are sold at supply price. Take a first paragraph. A और B का फर्दर कोई इशू नहीं है, यह है A और B are sold immediately. The only issue is of product C. अब मुझे जरा quantities कंडी बता दें, यहाँ quantities कितनी कितनी बनी है. Point one देखो, A और B और C की इस खर्चे से quantities कितनी बनी है, इस खर्चे से quantities बनी है या बिकी है. Production का खर्चा, quantities बनी कितनी कितनी, 335,000 pages, 295,000 pages and 1,34,000 pages. जाना है sir, 1,34,000 pages sir. में से फिर इस्तेमाल कितनी हुई, वो बात की बात. इस खर्चे से प्रोडक्शन कितनी हुई है, देख ले पॉइंट वन से इतना देखो. ऑफ कोर्स पॉइंट नंबर थ्री भी है, लेकिन इनिशियली सी की प्रोडक्शन हुई कितनी है, लेकिन फिर सी की फर्दर प्रोसेसिंग कितनी हुई है, वो एक अलग बहस है, वो करता हूँ मैं. एनी कंफ्यूज इन द फर्स्ट क्वांटिटी, एनी कंफ्यूजन सर. तो ए और बी के बड़ा फर्दर शायद कोई बहस नहीं लगी. अब आने सी पे जरा, और सी से रिलेटेड अब आपने पॉइंट नंबर थ्री और फोर पे फुल फोकस रखना. लुक एट योर क्वेश्चन, पॉइंट नंबर थ्री एंड 24. पहले आ जाए पॉइंट नंबर थ्री, 134,000 केजीज ऑफ सी की प्रोडक्शन है, और पॉइंट नंबर थ्री अगर देखें तो कितनी फर्दर प्रोसेसिंग है, 128. क्या मतलब, बाकी कैलकुलेटर पढ़ो, डिफरेंस कितना है? ये कहते हैं अगर 134,000 केजीज प्रोडक्शन है, हमने 128,000 केजीज को फर्दर प्रोसेस किया है, तो बाकी 6,000 का क्या कंसिडर करें, वर्किंग प्रोसेस नहीं करनी है. सी बन चुकी है, सी का स्टॉक वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस सही ना करें, सही तरह का सोचना तो सही कर लेता है. आप इस स्टोरी में से, अब जरा बात हुई है तो पॉइंट नंबर थ्री पढ़ेंगे एक मिनट. इस स्टोरी में जी और सी के एंगल से बताएं फिनिश गुड्स का नाम क्या है. क्या बना के बेच रहे हैं, दी. तो सी क्या है, सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी. सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी. लेकिन क्या नॉर्मली रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाई जाती हैं? लेकिन यहां क्या लग रहा है कि इनिशियली रॉ मटेरियल भी बनाया जा रहा है. वर्किंग प्रोसेस आप शायद मेरे ख्याल सही वर्ड नहीं यूज कर रहे. अगर जी की कुछ चीजें, जी की प्रोडक्शन में से कुछ प्रोडक्शन अभी हो रही होती तो ठीक है, जी का क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस. और सी भी अगर कुछ ना बने होते, सी भी इन प्रोसेस होते, तो वो सी का भी वर्किंग प्रोसेस हो सकता है. लेकिन ये क्या सी 134 देखें, 128 देखें, क्या 134 में से रिमेनिंग 6,000 ऑफ सी अभी बन रहे हैं या बन के फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ? तो वर्किंग प्रोसेस शायद नहीं, सी का क्लोजिंग स्टॉक है. और सी के एंगल से मेरे क्या वर्ड्स हैं, आई एम सेइंग शायद सी इज अ रॉ मटेरियल, अ सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी. लेकिन रादर देन परचेजिंग दैट रॉ मटेरियल सी फ्रॉम द मार्केट, we are also manufacturing the raw material C for the production of ultimately finished goods C. Sorry, मैं repeat कर रहा हूँ. Normally क्या होता है, raw material खरीदा जाता है और फिर क्या किया जाता है, उसे process करके finished goods बनाया जाता है. लेकिन यहाँ लग क्या रहा है कि हम raw material C भी खुद पहले बनाते हैं, लेकिन उससे फिर हम जब Z की production करते हैं तो इस C से Z में जाते हुए C is a raw material and Z is a finished goods. What is the production of Z? Sorry, what is the production of C? 134. What has been further processed? 128. So C का closing stock 6,000 kgs महसूस हो रहा है. लेकिन क्या C के वो 6,000 kgs हैं वो बन गए हैं C के एंगल से? तो C के एंगल से वो फिनिश है. अब ये नहीं कि उन पे कुछ काम हो गया कुछ रह गया. Therefore it is not a working process for Z as such. तो सी के 134,000 केजीज आर प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम विच 128,000 केजीज हैव बीन फर्दर प्रोसेस्ड, देयरफॉर 6,000 केजीज ऑफ सी शुड बी इन द क्लोजिंग स्टॉक. ओके, हां जी.
तो इसको इस तरह से लिखा, लेस 6000, एक मिनट पहले आप देख लेंगे इस तरह से समझ आ जाएगा, और फाइनली 128। बल्कि मैंने अभी रिसर्च की कि ना लिखें, क्यों मतलब मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ अगर आप किसी और तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो मैं उस तरह लिख देता हूँ। इसे मैंने माइनस क्यों कर दी, ये समझ आ गया सबको 6000 आया कैसे? अच्छा ये भी जेन में रखे, पॉइंट वन में लेना, पॉइंट वन में, क्या सी का कुछ ओपनिंग तो नहीं था? अगर होता तो फिर शायद हमें ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन और माइनस को फर्दर प्रोसेसिंग सोचना पड़ता, जिससे हमने अभी थोड़ा पॉइंट नंबर फोर में नीचे गए। जी में देखें, जी में 10000 तक कैसे पहुंचे, जी का भी 10000 स्टॉक आपने बताया था, 8000 उठाया, प्रोडक्शन उठाई, सेल उठाई, रिमेनिंग आया। तो आई होप कि आपको महसूस हो रहा है कि गेम सीरियसली ऑन, लेकिन ये इंजॉय करने वाली चीज है, अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो बात है बीच में कहीं। एनी कंफ्यूजन फाइंडिंग 128 6134। अब आगे बढ़ाएं जरा, फिर क्या हो इसका 128 फर्दर प्रोसेस, क्या इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई खर्चा हुआ, कितना हुआ टोटल बता दो मुझे, आपने टोटल कर लिया 803200 रुपीज। लेकिन अब और गेम शुरू करें, जब ये 128,000 फर्दर प्रोसेसिंग हुई तो अब पॉइंट नंबर फोर में जाए, इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फाइनली क्या हुआ, 96,000 केजीज जी के बने, ढूंढे ढूंढे 8,000 भी तो बने यार, वो बने हुए हैं, वो बने हुए थे इस 128 की फर्दर प्रोसेसिंग से, कितने बने, कहां लिखा है 96,000, पॉइंट नंबर थ्री या फोर, थ्री फोर थ्री फाइनली समझे, अगर मैंने फोर कहा 94,000 फिर बिके। मैं भी ये पूरे कर रहा हूँ कि बने कितने कितने कहां कहां से, लेकिन माय डियर एक गेम और है पॉइंट नंबर फाइव में, एक मिनट, क्या इसी फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में कोई बाय प्रोडक्ट बनी है? Yes, या वो जॉइंट प्रोसेस से निकली है? Yes, वो कॉमन प्रोसेसिंग में कोई वी नहीं बनी? जरा पॉइंट नंबर फाइव काइंडली देखें जरा, बट द क्वेश्चन इज सेइंग 8000 केजीज वर बाय प्रोडक्ट वी वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग हुई कितने केजीज की, 128,000 केजीज, उसमें से क्या बना 96,000 केजीज ऑफ जी एंड 8,000 kgs of V, which is a byproduct. Any confusion? Not from the common process, but during further processing. Done hai yahan tak? Ek minute main ruk raha hu, koi confusion? The online students. Then sir, next issue is point number five दोबारा, by product जो बनी है वी, इसको cost allocated नहीं होनी, इसकी recovery value दी हुई है, उसकी recovery value है 10 per kg, how many kgs of V are produced? जरूरत है तो calculator उठा लें, 8000 into 10 करें, 800 रुपया, देखिए फर्ज करें अगर ये बाय प्रोडक्ट यहां बनी होती, एक मिनट, कॉमन प्रोसेस से क्यों निकली होती, तो तब भी इसे कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, तब भी इसे कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी एज लॉन्ग एज ये बाय प्रोडक्ट है। देन इसकी रिकवरी वैल्यू फिर कहां से लेस करते, प्राइम कॉस्ट से, और फिर रेमेनिंग कॉस्ट एलोकेट करते। लेकिन अब ये क्योंकि बनी ही कहां है, फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में, तो इसकी रिकवरी वैल्यू को ऐसे कुछ कर लेना चाहिए। जरा देखें बोर्ड पर, 8000 केजीज है इंटू 10 है इज इक्वल टू 80,000 रुपीज है, 80,000 रुपीज की एक डबल एंट्री जहन में लाए, कैश और रिसीवेबल डेबिट, और क्या इसमें से नेट कर दो,
इसमें ऐड कर दूं लेस कर दूं, डबल एंट्री बोल दें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट, लेकिन कौन से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बी ऑफ जी, तो सही यहां तक करेंगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 7,23,200 सही है। आई होप कि अब क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा शायद मेजर चीजें हमारे साथ सामने प्रेजेंट हो गई, क्लियर हो गई चीजें। क्या लिखना शुरू कर दिया तो गलत होगा, नहीं मैंने कुछ लिखना शुरू कर दिया, ये नोट कर ले सर। अफान साहब हम वही करते सर जो करना चाहिए था, अगर वहां बनती तो वहां से करते हैं, अगर वहां बनी है तो वहां से किए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में लिखा जी ये 24,000 केजी इंतनान साहब डिस्कस करता हूँ, क्या प्रोडक्शन में लॉसेस भी हो जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस में? ये करेंगे स्टार्ट, पॉइंट नंबर वन देखें, सी का ओपनिंग स्टॉक होता है 134, तो मैं मिल अगर लिखा हुआ तो मैं कैसे वहां लिख सकता हूँ 134 बना, 128 प्रोसेस हुए, कितने प्रोसेस नहीं हुए, बन गए 134, लेकिन प्रोसेसिंग कितने की है ये सर, यानी फर्स्ट पेज बना ली देगा ये ऑनलाइन स्टडी करा दो, तो लिख तो नहीं आप प्लीज, इनकम स्टेटमेंट शुरू करो, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, सेल्स सारी फिगर्स अब सॉल्व होनी है, प्लीज कैलकुलेशन जरूर करनी है जी। पॉइंट नंबर फोर देखें, सी की तो रेवेन्यू के अमाउंट 3,003,300 गिवन है, नजर आ रही है, ए और बी की कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स के केजीज भी दिए हुए फर्स्ट पॉइंट में और पर केजी रेट भी दिया हुआ, तो यूज कर सकते हैं सर 285,000 मल्टीप्लाइड बाय 30.85। इस तरह की जो वर्किंग्स है ये कैलकुलेटर पर करके आपको लिखनी चाहिए, सब कुछ भी दिखाना एग्जामिनर को कंपलसरी नहीं, इस तरह की जो सिंपल सिंपल वर्किंग्स है उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय सॉल्व ऑन कैलकुलेटर एंड जस्ट राइट ऑन द पेज, ये बेटा डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करते नहीं, रिकवरी वैल्यू इसकी कंसीडर कर दी है, उसके बाद बात खत्म हो गई, आप साथ साथ चले क्वेश्चन, बाकी बातें क्वेश्चन के साथ होंगी जी, सब लोग निकालेंगे प्लीज 85,000 इनटू सेल प्राइस पर, फाइनल आंसर लिख रहा हूं सर, इस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर के, इसी तरह होता है बी 8560560560, तो सेल क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस पर केजी, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके एक सवाल से बड़ा खतरा महसूस होता है जब आप रिपीट करते हैं, और इस तरह के बाद जब आप रिपीट कराते हैं सेल प्राइस पर केजी कहां से है, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। डी जी ढूंढे जी का, उसने रादर देन के हमें पर केजी बताता, उसने हमें
अमाउंट ही बता दी, तो 3003 इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 में, और मेरा ख्याल एक दफा लिख लें ब्रैकेट में, ये गिवन ही फिगर आ रहे हैं, और टोटल्स जब करने होंगे एडमिट करें। एनी कंफ्यूजन? ड्यूरिंग द क्लास यू नीड 100% कंसंट्रेशन, कब से? सेल के बाद बताइए क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, नहीं पेपर के बाद सभी हो सकता कल की बजाय, लेकिन जल्दी के जी डियर, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट के लिए इनकम स्टेटमेंट बन रही है, तो इसके अंदर ही कुछ वर्किंग्स की जा सकती हैं। स्टार्ट ने जी पूरे वर्ड्स बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नेम होगी ऑन फिनिश गुड्स के नाम बोलते क्या है, ए बी सी, फाइनली ए बी जी, ढूंढने की ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ए बी का तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन जी अब गेम है, जी इज फिनिश गुड्स फॉर सी, और सर जी क्वांटिटी तो नहीं लिखवानी है, इतना ज़ालिम तो हम ना बने, 8,000 बोल रहे हैं सर जी, तो क्लियर चीज ही है, ठीक है शुक्र, बड़ी मुश्किल से हम स्टॉक तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद आपने क्वांटिटी बोल दी। जी डियर ओपनिंग स्टॉक ए और बी का तो नहीं है, किस पॉइंट में, पॉइंट वन में, तो सी का भी तो नहीं है, लेकिन हम सी को बेच नहीं रहे, सी और जी के एंगल से जी इज द फिनिश गुड्स फाइनली, तो व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक अमाउंट ऑफ जी, उठाएं 132,800, क्या उठाते हुए और लिखते हुए आप कंफर्टेबल हैं कि क्या कर रहे हैं हम ये, yes, या बस देख के लिख ही जा रहे हैं। सी इज सॉर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल फॉर जी, ये बार बार भी वर्ड आना है, बार बार आना है, सही क्लियर हो रहा है मेरी, हो रही मेरी बात, तो रादर देन परचेजिंग रॉ मटेरियल इन दिस पर्सन वी आर producing raw material as well for the production of finally finished goods, ठीक है, any confusion, अगली वीडियो ओके, तो वैसे नहीं आपके सामने एक भाई जी सर क्या करें, और स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे होता है सर, आप भी अभी इंट्रो पढ़ने अगर ये वाली पढ़ी तो रहने दे, काश काश आप कहते मैंने अभी इंट्रो पढ़नी, ये तो ये ठीक था, सर जी स्टॉक प्लीज कॉस्ट पे होता है, हमेशा वाली बात वहां होगी, एक एक्सेप्शन है, लेकिन वो जरा बच्चों को भी याद नहीं है, उनको भी याद करने पर, तो एक्सेप्शन है सर, तो स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे होता है जी सर, लोअर ऑफ कॉस्ट एन आर भी होता है, स्टॉक इज मैयड है, लेकिन एनआरवी पे कब होता है, अगर वो कॉस्ट से लोअर, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, और एनआरवी कब लोअर होती है, हो सकती है जब भी कभी हो, लेकिन नॉर्मली जब फ्यूचर में लॉस एक्सपेक्टेड हो, बहरहाल ये बातें भी होनी है, हमेशा की तरह भी आज भी आपने महसूस नहीं होने दिया कि आपको एनआरवी का वर्ड भी कभी सुनाई दिया है जिंदगी में, नेक्स्ट वर्ड देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, which is highly uncommon, common sense is that sense which is highly common, working once cost of goods manufactured, next page brother. जब तक आप बेटा डेफिनेटली ये चीजें इनिशियली अभी मैं स्टार्ट ही कर पा रहा हूँ, तो आप सोचें साथ साथ, लेकिन जब तक आप कोशिश ही ना करेंगे बात बननी नहीं है, मैंने वर्किंग वन लिखी या टू, वन ही ठीक है, इसमें आप मुझे ये बताइए मैंने क्यों वर्किंग वन वर्किंग क्यों करना चाह रहा हूँ, मेरा तो कल फिगर अवेलेबल है, डायग्राम देखें, डायग्राम देखें सर, क्या इशू है,
we are supposed to prepare the income statement product wise. So 17.915 million एक अमाउंट है, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? किस किस की है ये? शुरू में एबीसी की है, एबीसी की है, ये किस पे एलोकेट होनी चाहिए? एबीसी पे शुरू में, लेकिन डेफिनेटली जो सी की कॉस्ट आएगी वो अल्टीमेटली जी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन जो ए और बी का खर्चा आएगा क्या वो उनका फाइनल मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा होगा? वंस अगेन एक छोटी चीज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट रॉ मटेरियल, देन डायरेक्ट लेबर, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको जहन में रखे तीन चीजों को। पॉइंट नंबर टू में 17.915 मिलियन पड़े, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, वर्क इन प्रोसेस वंस अगेन नहीं है, देयरफॉर इसको ही फाइनली हम क्या नाम दे देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इस तरह की बातें बार 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 जहन में आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सवाल में अचानक किस दिन आ जाना, आ जाए वर्किंग कर, क्या वी नीड टू एलोकेट द फिगर? किस मेथड से, कहाँ लिखा है पूरे सवाल में? एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, पॉइंट नंबर सिक्स, पॉइंट नंबर सिक्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अपोर्शन अमंग ए बी एंड सी ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट वेटेड एवरेज। वेट ऑफ आउटपुट यार तो खुदा के लिए बुलाना क्या हो? ये करें स्टार्ट, पहला कॉलम नेम ऑफ प्रोडक्ट्स ए बी सी, ये ठीक है फिलहाल, मैं स्टार्टिंग के तौर पे सी लिख रहा हूं। क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करवाएं, कौन सी वाली? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लिखें, ढूंढे ये टेप आपके डायग्राम में भी लिखी, ढूंढा करें डाटा कर ली, 3,35,000, 2,95,000 एंड 1,28,000, 1,28,000 नहीं 1,34,000 बना, तो वही है नहीं। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या अगर क्वांटिटी बेसिस है तो गेम सिंपल नहीं है, यहीं से टोटल करें और कितने रुपीज एलोकेट करते हैं? 1,795 एंड 8 करेंगे, सम इसका बनेगा सर 64,335 डिवाइडेड बाय 1,795 एक मिनट, सेवन एट डबल यही हाथ जो मोबाइल पे चलते हैं, और यही हाथ जब कैलकुलेटर पे चलते हैं, तो एक के बाद ढूंढना पड़ता है दो किधर होगा, कल तो यही था, नजर नहीं आ रहा। थ्री वन फोर थ्री डबल ओके सर, और लोग जज्बाती हो चुके हैं और बोर्ड से देख के फिगर नीचे हो गई है, उठ उठ के देखना शुरू हो गई है, ये आखिर आया कहाँ से, आखिरी फिगर में जीरो कितने हैं नजर नहीं आ रहे। हाँ मुझे पता, आप चेक कर रहे हैं ना कि मैंने ठीक लिखा है। बेटा प्लीज आंसर ठीक है, ऐसे ना किया करें, इस कॉन्फिडेंस से प्लीज गलत ना करें,
जीरोस बेटा प्लीज सही लगा, इस समय ना करें। तो ये बेटा जो खर्चा फाइनली सी को एलोकेट हुआ, क्या अल्टीमेटली इसने भी जी का हिस्सा बनना? ये बेटा प्लीज देखें फिगर्स, हमने प्लीज चेक करें फिगर्स ठीक है, दोबारा सॉल्व करें प्लीज, जीरोस की मिस्टेक्स हो रही हैं, इस तरह ना किया। जी डियर, इन फिगर्स में से शायद पहले आपने देखी है अपनी ये फिगर वर्किंग नंबर टू वाली या वन वाली जो भी आपने की है, ये जरा देखें मुझे कैसे लिखनी चाहिए। पहली फिगर देखें जरा, क्या फर्स्ट फिगर को मैं ए की 100% कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड समझ के लिख सकता हूँ? बेटा लिखने दिया करें, ये मैंने बस दो तीन सवाल और करने, बाकी आपने करने, आप पूरा कीजिएगा ना, इसमें थोड़ी देख के लिखने वाला। क्या 6917750 को भी टोटल खर्चा ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का बी कंसिडर करके लिखा जा सकता? लेकिन अब जरा एक प्रॉब्लम आई है, यकीनन ये जो सी का खर्चा है ये जी के लिए है, लेकिन क्या ये Z का फाइनल खर्चा है? यहाँ लिख क्या रहे हैं, इसकी लेफ्ट साइड पे हेडिंग पढ़े, हम लिखा क्या चाह रहे हैं? तो Z को बनाने की ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो यहाँ अभी ये वाली फिगर एज इट इज नहीं लिखी जा सकती। यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो एक वर्किंग नंबर टू का सिर्फ यहाँ के लिए रेफरेंस है, अब ये टू या थ्री जो भी आपने बना दी अकॉर्डिंगली लिखिएगा। ये सबको क्लियर है कि ये जो 314 समथिंग फिगर आ रही है ये अभी एज इट इज 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी नहीं है, तो इसके लिए अब हमें क्या कर रहे हैं, एक और वर्किंग बना रहे। वर्किंग बनाने से पहले जरा एक मैं डायग्राम दोबारा देख लिया है, और प्लीज जितना टाइम है मैं मुसलसल घड़ी देख रहा हूँ, अब इस चक्कर में ना पड़ जाएगा। ये बेटा इनिशियली अभी जो हमने कॉस्ट फाइंड आउट की है 314,200, ये हमारी डायग्राम के मुताबिक शायद यहां तक की कॉस्ट है, 134,000 जीरो में टिक लगाया, यहां तक की कॉस्ट है। तो अभी यहां से हमें अल्टीमेटली जी तक पहुंचना है, सी से जी, और रास्ते में भी कुछ खर्चा भी है, फिर वो एक बाय प्रोडक्ट भी बन गई है। तो अब हमें शायद बेहतर ही रहेगा कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट भी जरा रिवाइज हो जाएगी, और जहां जहां जो रेलिवेंट फिगर्स हैं वो सही तरह से प्लेस भी हो जाएंगी। तो आप इस तरह करें, अब जो वर्किंग आप करने लगे उसकी थ्रेडिंग बनाए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ लिखवा दे, ऑफ के बाद ऑफ जी, मेरी रिक्वेस्ट तो होगी कि आपसे कि पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का डिजाइन मिला है, कुछ नहीं है तो ठीक है, लेकिन बार बार रिवाइज करके अब ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट का इस पूरी में जस्ट मिनट, और रॉ मटेरियल का नाम सी कह सकता हूँ, बनाए हेडिंग पर करें शुरू हो गए, आगे क्या होता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल ढूंढना, सारा फोकस अब किस पे है, सी जी, सी से जी, सी से जी, फिलहाल किस पे, सी पे, अब सी इज रॉ मटेरियल, पॉइंट वन, पॉइंट वन, एनी ओपनिंग रॉ मटेरियल जीरो, सी कहा, पॉइंट वन पहली लाइन ढूंढना लीजिएगा, जीरो, आगे हिम्मत करें क्या लिखें, क्या लिखते थे, परचेजेस, कब लिखेंगे परचेजेस, अगर खरीद के इस्तेमाल करेंगे तो क्या खरीद के या बना के, क्या सी को बनाने का कोई खर्चा आया है तो उसको क्या लिख सकता हूँ, मेरा ख्याल है वही ठीक रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सी, प्रोडक्शन कॉस्ट से भी वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा जा सकता है यहाँ, लेकिन अगर वर्किंग प्रोसेसेस नहीं है तो फाइनली हमें पहुंचना यही होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एक एब्रीविएशन बना रहा हूँ, फॉलो कर लेंगे, कितनी ये ढूंढे, अब ढूंढे
What is the cost of goods manufactured of C 3142 300? अच्छा साथ साथ ना अब हमें इधर क्वांटिटी का एक अंदाजा रखना पड़ना है, तो प्लीज साथ साथ रख क्वांटिटी लिखे, ये कितनी क्वांटिटी है इसकी, 134,000 केजीज बने हैं और ये उसकी फीस है, सॉरी इधर आई होप स्पेस बन जाएगी, मुझे याद नहीं रहता, साथ साथ क्वांटिटी इधर नोट करना जी डी एफ. Any closing stock of raw material C? C, C, C. Sir ji, kitna sir? 6,000. Done? 6,000 diagram. 6,000. Kya wo 6,000 diagram mein likha hua? Point number to phir dekhna padega. Mera khayal hai 1 ke saath third link karna padega. Jahan se wo 134 and 128. Lekin ab diagram explain ho gaya bhai. 6,000 hai jaan mein. अब 6000 बेटा ये केजीज है, क्या हम इन 6000 केजीज की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइफो लगाऊं या वेटेड एवरेज? और सर जी सवाल में दिया हुआ है सर फाइफो नीचे, वो जी के लिए दिया हुआ, यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ जरूरत ही नहीं है, ओपनिंग ही नहीं इनके. क्या आंसर वुड बी सेम? मसला नहीं, 6000 यूनिट्स कहाँ से बचे होंगे? 134 से बच्चे होंगे, ओपनिंग तो है ही नहीं, तो सिंपली क्या करूं, कैसे माउंट मेजर करूं? 3142 300 डिवाइडेड बाय 134,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6,000 इज इक्वल टू 140,700. आई होप के बात ओके. तो देयरफॉर क्वांटिटी कंज्यूम्ड इज 128 and the amount of quantity consumed is 300 1672. Any confusion anywhere? So 134,000 kgs of C bane. According to question, 128,000 consume hua hai. 6,000 should be closing stock. Any confusion anywhere? Abhi complete wala nahi hum kar sakte, inshallah baki kal karenge. Ab homework abhi hum isliye nahi kar sakte kyunki abhi baat pahunch hi nahi gayi, yahan pahunchne chahiye thi. आप प्लीज इस तरह करें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है इनको आज जुबानी दोबारा करें, और प्लीज मेरी ये बात सीरियस लीजिएगा, कर लिया हुआ है, आता है, हो गया है, उस जहन से निकाल के इंडिविजुअली विदाउट लुकिंग एट द आंसर एक दफा जरा री अटेम्प्ट करें, 10-15-20 मिनट कम से कम दोबारा लगाएं, ताकि बातें फिर कुछ ना कुछ आगे बढ़ सके. अल्लाह हाफिज़ साहब. बुक्स बेटा मेरा ख्याल ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जो लाहौर से बाहर है शायद आज डिस्पैच होना शुरू हो गई, मतलब कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.